श्रीलंका ने इंडिया के खिलाफ 27 जुलाई से शुरू होने वाले 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए अपने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। चिरित असालंका को श्रीलंका ने न्यू T20 कप्तान मुकरर कर दिया है। आजकल लड़कियां उतने BF नहीं बदलते जितने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड वाले कप्तान बदलते हैं, मगर के आए दिन और हर नई सीरीज में नया कप्तान हमें श्रीलंका का देखने का मौका मिलता है। अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में वरिंडु हसारंगा को T20 का न्यू कप्तान बनाकर इन्होंने टीम को भेजा था। वहां पर दलील होने के बाद वरिंडु हसारंगा को जो है वर्ल्ड कप में नाकस कारकर्दगी की बिना पर जो है उन्होंने कप्तानी से हटा दिया और अब इंडिया के खिलाफ पहली ही T20 वर्ल्ड कप के बाद सीरीज में चिरित असालंका को न्यू T20 का कप्तान मुकरर कर दिया गया है। चिरित असालंका LPL यानी कि लंका प्रीमियर लीग में कैंडी की नुमाइंदगी कर चुके हैं, इसी वजह से अच्छी कप्तानी करने की वजह से उन्हें श्रीलंका का न्यू T20 कप्तान मुकरर कर दिया गया। तो अगर इंडिया के खिलाफ 27 जुलाई से शुरू होने वाले 3 T20 मैचेस की सीरीज में श्रीलंका के स्क्वाड की बात की जाए तो सबसे पहले कैप्टन होंगे चिरित असालंका, पैथुम निसंका, कुशल परेरा, अवेश्का फर्नांडो, कुशल मेंडस, दिनेश का चंदीमल, कमेंडू मेंडोस, इनके बाद दसुन शानिका जो उनके पुराने कप्तान थे, इनके बाद वरिंडु हसारंगा जो T20 वर्ल्ड कप में उनके कप्तान थे, इनके बाद दंत वलालांग, इनके बाद महेश दीक्षाना, इनके बाद कमंडू वक्रमीरा सिंह, इनके बाद मतिशाना पतिराना, नमान तुषारा, दुश्मंदा चमीरा और भनारू फर्नांडो शामिल हैं। तो ये था उनका 15 रुकनी स्क्वाड जो 27 जुलाई से अपनी होम सीरीज में इंडिया के खिलाफ श्रीलंका की नुमाइंदगी करता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन ये सीरीज शुरू होने से पहले ही श्रीलंका को बहुत बड़ा धचका लगा है क्योंकि उनके 24 साल के फास्ट बॉलर दुश्मंदा चमीरा जो है अपनी सांस में जो है प्रॉब्लम की वजह से इस सीरीज से बाहर हो गए हैं और उनके चीफ सेलेक्टर ने उनके हवाले से अपडेट दी थी कि चमीरा अभी फिट नहीं है। उन्हें जो है LPL यानी कि लंका प्रीमियर लीग में ये मसला बना था और अभी तक उनकी सांस की वो प्रॉब्लम हल नहीं हुई, जिसकी वजह से दुश्मंता चमीरा जो है इंडिया के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज में जो है बाहर हो गए हैं। ODI और T20 दोनों टीम के स्क्वाड में जो है दुश्मंता चमीरा को शामिल किया गया था, लेकिन वो अपनी सांस की इंजरी की वजह से जो है इंडिया के खिलाफ वनडे और T20 दोनों ही सीरीज से बाहर हो गए हैं। अब दुश्मंता चमीरा की जगह पर किसी और नए बॉलर को आप श्रीलंका की नुमाइंदगी करते हुए देखेंगे इंडिया के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया और श्रीलंका में अगर T20 सीरीज के स्क्वाड की बात की जाए तो पहला T20 मैच जो है 27 जुलाई को जो है पालीकली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, शाम 7:30 बजे ये शुरू होगा। दूसरा T20 मैच 28 को खेला जाएगा और इसी तरह सीरीज का आखिरी यानी कि तीसरा T20 मैच 29 तारीख को ही 7:30 बजे पालीकली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा। क्रिकेट की ऐसी मजीद और मजेदार अपडेट जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट न्यूज B7 को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट और न्यू वीडियो मिस ना कर पाएं। और हाँ यार, घंटी के निशान को टर्न करके दबा भी दीजिएगा ताकि हम यूं ही न्यू वीडियो अपलोड करें फटा से टक करके बिना किसी रुकावट के आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।